बैंगलोर में एक 10x15 का साउथ इंडियन फूड बेचने वाला क्विक सर्विस रेस्टोरेंट उस 150 स्क्वायर फीट के स्टोर से दिन के 7,500 कस्टमर्स को सर्व करता है और महीने का 4.5 करोड़ का रेवेन्यू करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द ग्रेट फेमस द रामेश्वरम कैफे एट इंदिरा नगर बैंगलोर। ये कैफे हाल ही में शुरू हुआ 2021 में कोविड के बाद में, लेकिन आज एक बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी बन गया है F&B इंडस्ट्री में। तो अगर आप क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में, अगर आपको फूड एंड बेवरेजेस के इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो फिर ये सक्सेस स्टोरी की केस स्टडी जरूर ध्यान से सुनना। सिर्फ 150 स्क्वायर फीट से 4.5 करोड़ रुपए पर मंथ, जो कि 50 से 60 करोड़ रुपए साल का रेवेन्यू करना कोई मजाक की बात नहीं है बॉस। 7,500 लोग रोज के आते हैं, सुबह 6 से रात के 1 बजे तक खुला रहता है कैफे, मतलब घंटे के 400 लोग आते हैं, मतलब हर मिनट 6 से 7 लोग उस कैफे में आते हैं। तो क्या है द रामेश्वरम कैफे के सक्सेस सीक्रेट्स, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो इस वीडियो को लाइक करिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फिर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज बात करें द फेमस रामेश्वरम कैफे फ्रॉम बैंगलोर, राइट। 2021 में शुरू हुआ था, दो फाउंडर्स ने, मिस्टर राघवेंद्र राव एंड मिसेस दिव्या राघवेंद्र राव, इन्होंने मिलकर ये रामेश्वरम कैफे स्टार्ट किया था, क्योंकि उनका F&B इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस भी था और उनका इंटरेस्ट भी था। द रीजन बिहाइंड कीपिंग द नेम रामेश्वरम वॉज दैट वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को एज ए ट्रिब्यूट भी देना चाहते थे, क्योंकि उनका बर्थ प्लेस है एंड वो काफी ज्यादा इंस्पायर भी हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के वैल्यूज से एंड प्रिंसिपल्स से। एक कैफे से स्टार्ट किया था इंदिरा नगर बैंगलोर में, आज की तारीख में उनके 3 कैफेज चलते हैं बैंगलोर में, इंदिरा नगर, जेपी नगर एंड ब्रूकफील्ड में, राइट। एंड वो ऑपरेट करते एक QSR फॉर्मेट में। तो आज बात करेंगे रामेश्वरम कैफे के सक्सेस सीक्रेट्स के बारे में, कि ऐसा क्या है उस कैफे में कि उस 150 स्क्वायर फीट के कैफे के लिए लोग 200-300 मीटर लाइन में लगते इंदिरा नगर जैसे एक बिजी हसलिंग एरिया में। डेफिनेटली उसमें कुछ तो है, राइट। तो वो फाइंड आउट करेंगे आज के केस स्टडी में। सो द फर्स्ट पॉइंट इज डीपर मार्केट रिसर्च। मैंने कितनी बार बोला अपनी वीडियोज में कि मार्केट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। उसके ऊपर मैंने वीडियोज भी बनाया कि मार्केट रिसर्च के कौन से टूल्स है जो आप यूज कर सकते हो। तो यही किया द रामेश्वरम कैफे के ने मिस्टर राघवेंद्र राव एंड मिसेस दिव्या राघवेंद्र राव ने, कि उन्होंने काफी ज्यादा टाइम लिया समझने के लिए कि मार्केट में गैप क्या है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है। तो उन्होंने देखा कि बैंगलोर में काफी सारे साउथ इंडियन फूड सर्व करने वाले रेस्टोरेंट्स तो है, लेकिन कोई ऑथेंटिक नहीं है, राइट। तो रेस्टोरेंट नॉर्थ इंडियन भी सर्व कर रहा है, चाइनीज भी सर्व कर रहा है, साउथ इंडियन भी सर्व कर रहा है, लेकिन ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड के लिए कोई नहीं है। एंड उन्होंने इसलिए एक ऐसी जगह ढूंढी इंदिरा नगर, जहां पे स्पेशली ये बहुत बड़ा गैप था। एंड प्लस अगर आपको पता है तो बैंगलोर में कोरमंगला और इंदिरा नगर, ये दो बहुत ही ज्यादा प्राइम लोकेशन जो ऑफिसेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए एंड बहुत सारे नए लोगों के लिए, राइट, जो जॉब्स के लिए आते हैं। सो इंदिरा नगर वाज अ ग्रेट लोकेशन जो उन्होंने ढूंढा एंड वहां पे उन्होंने उनका पहला ब्रांच खोला। द सेकंड इज पिकिंग द राइट लोकेशन, राइट, माइक्रोजियोलॉजिकल लोकेशन। तो ये चीज उन्होंने मैकडोनल्ड से सीखी कि मैकडोनल्ड जैसे चेन्स उनके आउटलेट्स कहां पे खोलने वो कैसे डिसाइड करते। तो उन्होंने देखा कि कमर्शियल प्लेसेस में जहां पे हाई फुटफॉल है, इनसेन फुटफॉल है, जहां पे लोग आते जाते रहते हैं एंड जहां पे लोगों का प्रीमियम पे करने के लिए एपेटाइट भी है, जहां पे अच्छे क्वालिटी के लोग आते हैं जो थोड़ा सा प्रीमियम पे कर सकते हैं अपने फूड के लिए, वहां पे खोलो। एंड दैट इज द रीजन दे चोज इंदिरा नगर एंड स्पेशली दैट एरिया वेर दे हैव ओपन द फर्स्ट रामेश्वरम कैफे। लोकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। F&B इंडस्ट्री में आपको अगर कहीं पे भी अगर आपका रेस्टोरेंट खोलना है तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द अमाउंट ऑफ फुटफॉल एक्चुअली डिटरमाइंस कि आपके यहां पे कितने लोग आएंगे एंड ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ द एरिया डिटरमाइंस कि आपके रेस्टोरेंट में कौन से क्वालिटी के लोग आएंगे। तो अगर आप एक प्रीमियम कैफे खोल रहे हो, जैसे कि रामेश्वरम खुद को कहता है कि वी आर अ प्रीमियम चेन ऑफ साउथ इंडियन QSRs, राइट, तो अगर आप एक प्रीमियम कैफे, प्रीमियम रेस्टोरेंट खोल रहे हो, तो फिर आपको ध्यान देना है कि उस एरिया में आने वाले जो फुटफॉल है वो उन लोगों का भी लेवल है उतना कि वो ज्यादा पे करने का एपेटाइट रखते हैं, राइट। द थर्ड पॉइंट इज सुपर शॉर्ट मेन्यू। आप मेन्यू में काफी सारी चीजें देख सकते हो, 50 आइटम देख सकते हो, लेकिन उसमें कोर आइटम सिर्फ 6 ही है। उसमें वेरिएशंस कर करके उन्होंने 50 आइटम बनाए एंड शॉर्ट मेन्यू का फायदा यह है कि लिमिटेड इन्वेंट्री, ज्यादा वेस्टेज नहीं है एंड प्लस आपको क्वालिटी मेंटेन करने में भी काफी इजी होता है। अब QSRs में शॉर्ट मेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उन्हें रेप्लीकेट करना होता है उनके हर एक ब्रांच में, जिसकी वजह से वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाते हैं। एंड यही चीज रामेश्वरम कैफे ने की है कि 6-7 कोर इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन उससे उन्होंने अराउंड 30-40 डिशेस बनाए, राइट, अलग अलग वेरिएशन
लोकेशन से, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसके ऊपर भी उन्होंने काफी ज्यादा मार्केट रिसर्च करी होगी कि क्या बिकता है, व्हाट इज द ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड दैट सेल्स, जो लोगों को पसंद है, एंड उन्होंने उतना ही अपने मेन्यू में रखा है, राइट। नाउ फॉर दिस कंसिस्टेंसी, द फैक्ट दैट दे हैव केप्ट अ लिमिटेड मेन्यू, द फैक्ट दैट दे हैव क्रिएटेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, द फैक्ट दैट दे कैन नाउ कंट्रोल द क्वालिटी, जिसके वजह से आता है कंसिस्टेंसी, एंड दिस इज व्हाट इज द ऑपरेशनल एक्सीलेंस ऑफ द रामेश्वरम कैफे। कि आप उनके जेपी नगर, ब्रूकफील्ड, इंदिरा नगर, किसी भी कैफे में चले जाओ तो आपको वहां पे सेम टेस्ट का इडली, सेम टेस्ट का डोसा, सेम टेस्ट के सारे आइटम्स मिलेंगे, बिकॉज उनके पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है कि हर एक आइटम को कैसे प्रिपेयर करना है, एंड दैट इज द सीक्रेट कि वो उस आइटम को सेम तरीके से रेप्लीकेट कर पाते हैं उनके हर एक ब्रांच में, एंड जिसके वजह से कस्टमर लॉयल्टी बढ़ती है। कस्टमर को पता है कि मैं किसी भी ब्रांच में जाऊंगा तो मुझे सेम पोर्शन मिलेगा, सेम क्वालिटी, सेम टेस्ट, सेम एक्सपीरियंस मिलेगा, राइट। एंड प्लस उनके ऑपरेशंस, क्योंकि 7500 कस्टमर्स डेली अगर आ रहे हैं तो आपको ऑपरेशनल लेवल पे भी बहुत ज्यादा एक्सेलेंट रहना, एफिशिएंट रहना पड़ेगा, एंड इसके लिए उन्होंने उनके कैफेज में POS मशीन्स, POS सॉफ्टवेयर्स लगाए, जो कि उनके एग्जीक्यूटिव्स को उस क्राउड को मैनेज करने में हेल्प करता है, उन ऑर्डर्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। नाउ फिफ्थ एंड अ वेरी अमेजिंग पॉइंट जो रामेश्वरम कैफे ने बिल्ड किया है इज जीरो ऑनलाइन डिलीवरी। उन्होंने प्योर वॉकिंस के ऊपर फोकस किया है, आपको नहीं मिलेंगे जोमैटो स्विगी के ऊपर, भले ही ये सारी कंपनीज बैंगलोर में से निकली, आई थिंक जोमैटो शायद से दिल्ली से, लेकिन स्विगी तो बैंगलोर से, लेकिन फिर भी जोमैटो स्विगी के ऊपर डिलीवर नहीं करते। अगर आपको खाना है रामेश्वरम कैफे का खाना तो आइए और कैफे में आके खाइए, राइट। एंड दैट इज द रीजन आप देखोगे कि इतनी ज्यादा रश रहती है रस्ते पे, 200-300 meters तक लोग खड़े रहते हैं, 40-40 minutes लोग लाइन में लगते हैं टोकन लेने के लिए और उनका खाना लेने के लिए। एंड आई थिंक उनका जो वॉकिंग एक्सपीरियंस है उसको हमेशा वो बेटर करने के लिए ट्राई करते, उसको हमेशा वो फास्ट करने के लिए ट्राई करते रहते, जिसकी वजह से उनका ऑपरेशनल एक्सीलेंस आता है। अब इसके पीछे एक और एक थॉट प्रोसेस भी हो सकता है, जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर एक दुकान के ऊपर अगर आपको 10-12 लोग खड़े दिख जाए तो जो भीड़ है वो दूसरे लोगों को भी अट्रैक्ट करती है। नाउ द फैक्ट दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन अ क्यू आउटसाइड दैट रेस्टोरेंट दैट अट्रैक्ट्स अदर कस्टमर्स एज वेल, राइट। लोग क्यूरियस होते कि भाई यहाँ पे ऐसा क्या बिक रहा है, यहाँ पे जरूर कुछ अच्छा बिक रहा होगा, तो फिर वो लोग भी आके लाइन में खड़े हो जाते हैं। एंड आई थिंक दैट इज अ ग्रेट टेक्निक कि उन्होंने अपना ब्रांड ऐसे बिल्ड किया, उन्होंने अपना कस्टमर लॉयल्टी ऐसा बिल्ड किया है कि लोग उनके लिए लाइन में खड़ा होना प्रिफर करते हैं, राइट। नहीं तो कौन खड़ा रहेगा भाई, 40-50 मिनट आप लाइन में खड़े रहोगे किसी खाने के लिए, लेकिन लोग वहां पे आते हैं एंड वहां पे लोग 40-50 मिनट रुकते हैं उनका टाइम आने के लिए, उनका टोकन मिलने के लिए। एंड आई थिंक दिस इज द जीनियस ऑफ द फाउंडर्स, राइट। मिस्टर राघवेंद्र राव एंड मिसेस दिव्या राघवेंद्र राव ने जो उनका जीनियस दिमाग लगाया कि दे डोंट जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट अनदर साउथ इंडियन कैफे, दे वॉन्ट टू क्रिएट अ चेन, अ ग्लोबल चेन ऑफ ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड, एंड जिसकी वजह से उन्होंने ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर बहुत फोकस किया। एंड जब आप ब्रांड बनाते हो तब आपके पास कस्टमर लॉयल्टी आती है एंड तब लोग लाइन में लगते हैं, एंड जब आपके पास कस्टमर लॉयल्टी आती है तब इंटर्न आपका ब्रांड बनता है, राइट। तो आपको ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस करना है अगर आपको एक लॉन्ग टर्म विजन देखनी है। एंड ये विजन उन्होंने उनके वेबसाइट के ऊपर भी दिया, आप यहां पे देख सकते हैं कि उन्होंने दिया है कि उनके अगले 5 साल में क्या एंबिशंस है, राइट। अब डेफिनेटली काफी सारी चीजें जो उनके हाथ में वो तो उन्होंने सही करी, लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है जो उनके फेवर में है क्योंकि उन्होंने काफी सारी चीजें सही करी है, राइट। फर्स्ट, लोग कहते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ बहुत तगड़ा है रामेश्वरम कैफे का, कि आपको कोई ना कोई दोस्त या फिर कलीग जरूर बोलेगा कि आपको बेस्ट ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड खाना है तो रामेश्वरम कैफे में जाओ, जिसकी वजह से उनका मार्केटिंग कॉस्ट इज जीरो, क्योंकि उनका जो क्राउड आता है वो एक तो क्वालिटी ऑफ फूड से आता है, रिपीट कस्टमर, एंड प्लस रेफरेंस से आता है, वर्ड ऑफ माउथ से आता है। द सेकेंड इज मुंबई और दिल्ली में काफी कॉस्मोपॉलिटन क्राउड है, तो वहां पे लोगों का ना कोई कुजीन के साथ में ना ऐसे लॉयल्टी नहीं है। मुंबई में, दिल्ली में लोग चाइनीज भी खाना पसंद करते हैं, नॉर्थ इंडियन भी, साउथ इंडियन भी और लोकल भी, लेकिन बैंगलोर में स्पेशली साउथ में लोग ना बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, बहुत ही ज्यादा लॉयल होते हैं उनके कल्चर से, उनके फूड हैबिट से, उनके फूड आइटम से, एंड जिसकी वजह से भले ही वो एक ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड सर्व कर रहे हैं लेकिन और कुछ नहीं सर्व कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पे यंगस्टर्स भी आएंगे, वहां पे सीनियर लोग भी आएंगे, वहां पे बच्चे भी आएंगे, राइट, बिकॉज दे आर सो लॉयल टूवर्ड्स देयर ओन कल्चर एंड टूवर्ड्स देयर ओन फूड। एंड द थर्ड इज डेफिनेटली लक, जब आप सारी चीजें सही करते हो तब ऑटोमेटिकली एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस एंड आप फिर लकी भी हो जाते हो, राइट। व्हेन यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम डूइंग द राइट थिंग देन यू गेट लकी, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वेरी बिग फैक्टर, क्योंकि रेस्टोरेंट्स तो बहुत खुलते हैं यार, लेकिन 90% रेस्टोरेंट्स पहले 5 साल में बंद भी हो जाते हैं। नाउ अ ग्रेट थिंग इज 150 square feet का स्टोर, 4.5 crore रुपए महीने के सेल्स, मतलब साल के 50-60 crore शुरू होकर 2 साल हुए, 2021 में ही खुला है सिर्फ,
और इस मार्केट में इतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है कि आप मतलब क्या बताऊं मैं आपको, इतना ज्यादा पैसा बन सकता है। 70% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होगा इस बिजनेस में कि अगर 50 करोड़ रेवेन्यू कर रहे हैं तो 35 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट, एंड उसके बाद में भी 30% नेट प्रॉफिट जिसके ऊपर मतलब एबिटा उनका जिसके ऊपर वो टैक्स भरते होंगे, लेकिन नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो 30%। मतलब 50 करोड़ का 30% इज वॉट 16-17 crores, सो 16-17 crores इज द फाइनल नेट प्रॉफिट जो उनके पास बचता है, राइट। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट द इंदिरा नगर आउटलेट, राइट। उनके तीन आउटलेट्स अभी इंदिरा नगर, जेपी नगर और ब्रूकफील्ड में, राइट। लेकिन आई थिंक दिस इज सच एन अमेजिंग सक्सेस स्टोरी कि 2 साल में एक क्वेसर जो कि 16-17 crore का नेट प्रॉफिट, 50-60 crore का रेवेन्यू कर रहा है, आई थिंक इट इज जस्ट अमेजिंग। सो गाइस, आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में जरूर कमेंट करिए। अगर आपने कभी खाया है तो फिर वो कैसा है खाना वो भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपको कौन से टॉपिक्स के ऊपर और वीडियोस देखने, केस स्टडीज देखने, वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू डबल आइकन टू सी द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस ऑन टाइम, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।